नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरि निवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व चल रहा है। देखिए, जो अनुशासन की बातें आप सुनते जा रहे हैं, युधिष्ठिर ऐसे में, क्योंकि स्त्रियों से संबंधित प्रसंग चल रहे हैं, एक प्रश्न करते हैं, कथम आसाम नरः संगम कुर्वते गुरुनंदन, स्त्रियो वाके सुरंजन्ते विरंजन्ते चतापना। अब देखिये, प्रश्न ये पितामह भीष्म से पूछा जा रहा है कि हे कुरुनंदन, आप ये बताइए कि पुरुष लोग क्यों स्त्रियों के पीछे पड़े रहते हैं, अथवा स्त्रियां भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण पुरुषों के प्रति अनुरक्त हुआ करती हैं। और जब ये राग अनुराग की स्थिति हो तो आप कह रहे हैं कि रणभूमि के बाद जब बहुत सारी स्त्रियां ही बची हैं तो इनकी रक्षा हमें करनी चाहिए, लेकिन ये कैसे संभव है? स्त्रीणाम बुद्ध्यर्थ निष्कर्षाद अर्थशास्त्राणि शत्रुहन बृहस्पति प्रभृति भीर मन्ये सदि भी कृतानि। यहां तक की बात कहते हैं युधिष्ठिर कि जितने भी नीति के शास्त्र लिखे गए हैं, चाहे वो बृहस्पति ने लिखे हों, चाहे वे शुक्राचार्य ने लिखे हों, क्योंकि उस समय तो यही बड़े नीति शास्त्रकार माने जाते थे, तब चाणक्य तो हुए नहीं कि वो चाणक्य की नीति की बात की जाए, न तो भर्तृहरि हुए कि उनकी नीति शतक की बात की जाए, तो यही महान नीतिकार माने जाते थे। तो कहते हैं कि उनकी नीति में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो इनके ज्ञान से बाहर। अब ये या तो आप ये मान लीजिए कि स्त्री प्रशंसा है, या आप ये मान लीजिए कि यहां युधिष्ठिर के मन में एक विशेष प्रकार का जो द्रौपदी का हमेशा आधिपत्य रहा है वो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। कहते हैं हसंतम प्रहसंतम चेता रुदंतम प्ररुदंती चा। अगर व्यक्ति हंसता है तो ये हंसती हैं, व्यक्ति रोता है तो ये रोती हैं, और जो अप्रिय है उसको भी प्रिय बना लिया करती। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों के लिए कहा गया है कि उनके मन में क्या है इसको कोई नहीं जान सकता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं उष्णा वेद यत शास्त्र। उष्णा शुक्राचार्य का नाम है, आपको पता है बृहस्पति वेद यत, और बृहस्पति जिसको जानते हैं, स्त्री बुद्धियाना विशंतीते तासु रक्षा कथम करें। उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्त्रियों को ज्ञात ना हो, या दूसरी तरह से कहिए कि उन शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि स्त्रियों को कैसे वश में करना चाहिए, उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, उनको कैसे समझाया जा सकता है। कहीं इस चीज का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं पाया जाता है, ऐसा यहां स्पष्ट कहना। तो यदि शक्या कुरु श्रेष्ठ रक्षा तासाम कदाचन कर्तुम वा कृत पूर्वम वा तन्मे व्याख्यातुम अर्हसि। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कैसे स्त्रियों की रक्षा की जा सकती है, या आज से पहले किसी ने, क्योंकि हर बात में पितामह भीष्म तो ऐतिहासिक कथानक सुनाने बैठते हैं, तो किसी और ने भी अगर ऐसा कार्य किया हो तो कृपया हमें बताने की कृपा। तब पितामह भीष्म कहते हैं अत्रते वर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्। चलिए मैं आपको एक पुराने इतिहास की कथा सुनाता हूं। भृगुवंशी विपुल नाम के एक ब्रह्मचारी हैं जो अपने गुरु के यहां रहते हैं, शिष्य हैं, गुरु को उनके ऊपर अत्यधिक विश्वास है। देव शर्मा नाम के उनके गुरु एक बार यज्ञ आगादि के लिए उनको बाहर आ जाना है। उनकी पत्नी जिसका कि नाम रुचि है, जैसा नाम है वैसे ही रुचकर, बड़ी ही सुंदर, तो उनको बड़ी चिंता होती है कि इतनी सुंदर पत्नी को अगर घर पे इस प्रकार से छोड़ के जाया जाए तो और कोई नहीं तो देवराज इंद्र ही आकर के उसको दूषित कर देगा। अब आप जरा देवराज इंद्र के बारे में, अभी बीच में बहुत सारे कमेंट किए गए थे हमारे एक दर्शक के द्वारा, उन्होंने कहा कि अगर देवताओं के राजा होकर के भी वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं
तो मनुष्यों की क्या बात है भाई, मनुष्य उनसे श्रेष्ठ है इतना मान के चलिए। देवराज इंद्र जो व्यवहार करते हैं उससे सामान्य मनुष्य का व्यवहार ज्यादा श्रेष्ठ हुआ करता है। चलिए हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो उनको बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने अपने शिष्य विपुल को बुला करके ये कहा कि भैया विपुल, अगर आप मुझे वचन दें कि आप अपनी गुरु पत्नी की रक्षा करेंगे तो मैं यज्ञ करने के लिए निश्चिंत होकर के जा सकता हूं। लेकिन याद रखिएगा कि देवराज इंद्र जो हैं वो ऐसी सुंदर स्त्रियों को देख करके उनके प्रति लालायित रहते हैं और वो कभी भी आकर के किसी भी रूप में आकर के इनको दूषित करने की कोशिश करेंगे। तब विपुल ने कहा कि महाराज, अगर कुछ आप उनका परिचय पता ठिकाना या सकल सूरत के बारे में बता दें तो मैं सावधान हो जाऊं कि भाई ये देवराज इंद्र कैसे हैं, तो कानी रूपाणी शक्रस्य भवंत्या गच्छतो मुने, वो कहां से आते हैं, कैसे आएंगे, वपुस तेजस्य की दृग्वई, किस प्रकार का उनका स्वरूप है, कैसा उनका तेज है, अगर आप ये परिचय मुझे दे दें तो मैं निश्चित रूप से आपको इस बात का वचन देता हूं कि गुरु पत्नी को कुछ भी नहीं होगा, मैं उनकी रक्षा अवश्य करूंगा। अब वो देव शर्मा जो हैं वो अपने शिष्य से विपुल से इस इंद्र का वर्णन कर रहे हैं। अब आप इस इंद्र के वर्णन को देखिए और फिर समझिए इंद्र यानी कौन है। किरीटी, वज्रध्रग, धन्वी, मुकुटी, बद्ध कुंडलाह। भाई कभी वो मुकुट पहनता है, वज्रधारी है, हाथ में धनुष भी ले सकता है, मुकुट भी धारण कर सकता है, कुंडल भी पहनता है, और फिर तो वर्णन करते हैं कि चांडाल समदर्शना, मतलब सामने का पात्र कैसा है उसके अनुरूप वो अपना रूप धारण किया करता है। कभी जटी चीरवासा पुनर्भवती पुत्र के, कभी वो चीरवासा यानी कभी सन्यासी बन के भी आ सकता है, कभी वो जटाधारी बन के भी आ सकता है, यानी उसको तो अवसर चाहिए सामने वाला जो स्त्री पात्र है वो किस प्रकार से उसके चंगुल में फंसेगा, किस प्रकार से वो उसके प्रति मोहित होगा। अगर कोई ऋषि को प्रेम करने वाली कन्या है तो ऋषि बन के उसके पास पहुंच जाएगा, अगर कोई धनवान को प्रेम करने वाली स्त्री है तो वो धनवान बन के उसके पास पहुंच जाएगा, वो किसी भी प्रकार का रूप धारण करके, और यही उसका एक स्वभाव है। विरूपो रूपवांश चैवे युवा बुद्धस्त तथैव च, कभी वो विरूप भी बन सकता है, कभी वो रूपवान भी बन सकता है, कभी वो युवा बन सकता है, कभी वो वृद्ध बन सकता है, कभी वो ब्राह्मण बन जाता है, कभी वो क्षत्रिय बन जाता है, कभी वो वैश्य बन जाता है, कभी वो शूद्र बन जाता है। इसका अर्थ इसका अर्थ यह है कि किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक सुंदर स्त्री को देख करके अपने मन को उसी प्रकार से वश में रख पाए। उस समय उसकी इंद्रियां जब लोलुप होती हैं तो इंद्र जो है, इंद्रियों का जो स्वामी है, आप उसको इंद्र मान लीजिए, इसलिए उसको इंद्र भी कहा जाता है, वो किसी भी तरीके से किसी भी रूप में सामने के पात्र को दूषित बनाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। भैया यहां तो देव शर्मा ने जब विपुल को ये सारी बातें बताएं कि कहो तो मक्खी का रूप धारण करके आ जाएं, मक्षिका मसका आदि नाम वपुर धारय ते पिचा, मक्खी और मसक का रूप भी वो धारण कर सकते हैं। अब तो विपुल विचार में पड़ गए कि भैया जब व्यक्ति का कोई स्वरूप का ठिकाना ही नहीं है कि वो किस रूप में आएगा, तो आप किस किस से स्त्री की रक्षा करेंगे। फिर भी गुरु की आज्ञा थी को तो गुरु की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। गुरुदेव को वचन दे दिया कि ठीक है गुरुदेव, बहुत बड़े योगी थे विपुल, नापिधास्याश्रमम शक्यो रक्षितुम पाक शासना। मन में विचार करने लग गए कि ऐसे व्यक्ति से जो किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकता है, कहीं से भी किसी भी तरीके से आ सकता है, उससे अगर मुझे
गुरु पत्नी रुचि की रक्षा करनी है तो इसका मैं उपाय क्या बनाऊं, क्योंकि आश्रम को ताला नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ताले से भी उनको तो रोका नहीं जा सकता है, और वो तो अगर वायु के रूप में ही आ गए तो आप मान लीजिए कि श्वास लेने के साथ आप कितने भी दरवाजे बंद कर लीजिए, वायु तो अंदर प्रवेश कर ही जाती है, तो किसी भी तरीके से अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। करूं तो क्या करूं, गुरु को वचन दिया है, गुरु माता की रक्षा करनी है। तब विपुल ने योग के द्वारा गात्राणि गात्रय अस्याहम संप्रवेक्षे रक्षितुं, ये निर्णय किया कि मैं अपने शरीर से गुरु माता के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। अपने महाराज जनक की कथा सुनी थी कि वो भिक्षुणी जब आई है तो उसने जनक के अंग प्रत्यंग आंखों से लेकर पूरे शरीर को अपने वश में कर लिया। वही योगी की क्रिया यहां विपुल ने करने का निर्णय किया है, और मन में एक भय है कि अगर कहीं मैंने गुरु माता की रक्षा नहीं की और गुरुजी वापस आएंगे और उनको पता चलेगा कि किसी भी प्रकार से वो दूषित हुई हैं तो फिर वो मुझे श्राप दे देंगे, तो मुझे अगर श्राप से बचना है तो मुझे कैसे भी करके। न चेयम रक्षितुम शक्या यथान्या प्रमदान रुभी माया भी सुरेंद्रो सहा वहो प्राप्तोसी संशया, मैंने बहुत विचार किया है, मुझे इसके अलावा और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। और यह निर्णय करने के बाद उन्होंने अपने शरीर को तो वहीं छोड़ दिया और अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल करके, और जैसे कि कई बार हमने कहीं देखा है या सुना है कि परकाया प्रवेश करना, इस प्रकार से विपुल ने वो जो गुरु माता रुचि हैं उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। अब देखिए, इंद्र तो हमेशा ही इसी तलाश में रहते हैं। एक बार की बात है कि दिव्य रूप धारण करके इंद्र वहां आकर के पहुंच गए। अब इंद्र ने जो स्वरूप धारण किया है, जब ये रुचि उन इंद्र को देखती है, लोभनीयम जनादिपे दर्शनीय तमोभूत्वा प्रविवेश तमाश्रमम, एकदम देखने में जो सुंदर से सुंदर लगे इस प्रकार के रूप में आए हुए उस इंद्र को देख करके वो रुचि भी अंग प्रत्यंग में उसके एक आनंद व्याप्त हो जाता है, और वो पूछना ही चाहती थी कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन उन विपुल ने उस रुचि को अपने वश में करते हुए कुछ भी एक शब्द भी वो ना बोल पाए, इस प्रकार से उसकी सारी इंद्रियों को और अंग प्रत्यंग को अपने वश में कर लिया। ठीक है, ये प्रारंभिक स्टेज होता है कि कोई व्यक्ति जब सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो वो पहले तो अपना वर्चस्व ही दिखाता है, इसी के आधार पर सामने वाला प्रभावित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सामने वाला प्रभावित हुआ है, उसने सामने से रिस्पांस नहीं दिया है, तो सामने से फिर रिस्पांस भी देना पड़ता है। तो तब देवेंद्र जो हैं, जब देखते हैं कि भाई इस स्त्री ने तो मुझसे कहा ही नहीं है, तो उससे कहते हैं क्लिश्यमान अनंगे ने त्वत्संकल्प भवे न, अरे देवी मैंने जब से आपको देखा है, आपको देख करके मैं काम पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो गया हूं, जैसे कि सीधा प्रस्ताव रख देना उसी प्रकार की बात है, तो समय निकला जा रहा है, आपको जल्दी से मेरा स्वागत सत्कार करना चाहिए, हमको समागम करना चाहिए। जब इस प्रकार से शक्र ने कहा और उस रुचि ने इस बात को सुना तो रुचि भी उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर के जो लालायित हुई थी, विपुल ने उस रुचि को अपने वश में करते हुए अपने स्थान से खड़ी भी नहीं होने दिया, और ऊपर से उसके मुख से आप यहां किस लिए आए हैं, आपके यहां आकर के इस प्रकार बोलने का कोई कारण नहीं है, विपुल ने ये शब्द रुचि के मुंह से निकलवाए। देखिए, इंद्र के लिए अप्रत्याशित था, इंद्र के लिए अप्रत्याशित था,
कोई स्त्री इस प्रकार से उनकी अवमानना कैसे कर सकती है। आप याद कीजिए, अहिल्या वाली कथा सुनिएगा, वहां पे अहिल्या ने भी इंद्र को पहचान लिया था कि ये मेरे पति गौतम नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्र के प्रभाव से प्रभावित होकर के अहिल्या ने फॉर चेंज इंद्र का स्वीकार किया है, क्योंकि इंद्र का प्रभाव ही ऐसा है। और जितने लोग स्त्रियों को दूषित करते हैं उसमें प्रभाव भले वो अपना डालते हैं, लेकिन एक चीज स्वीकार करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वहां स्त्री की सम्मति बन जाया करती है, तभी ये कार्य संभव है। मैं जो सामूहिक घटनाएं होती हैं बलात्कार वगैरह की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो एक हैवानियत है, वो तो अशुरता है। यहां इंद्र को रुचि के पास से इस प्रकार के जवाब की कोई आशा नहीं थी। तब इंद्र अपनी योग मुद्रा से ये देखते हैं कि ये संभव कैसे है कि मैं प्रस्ताव रख रहा हूं और मेरे सामने उपस्थित ये स्त्री मेरा अपमान कर रही है, मेरी अवमानना कर रही है। और जैसे उन्होंने योग से देखा तो उनको दिखाई दिया कि सताम वाचम गुरोह पत्न्या विपुलाह पर्यवर्तत। अरे ये क्या है, ये तो अपनी गुरु की पत्नी के अंदर विपुल विद्यमान है। अब तो इंद्र को भय लगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं वो किसी सुने स्थान को, किसी ऐसी जगह को, यानी किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर ही आक्रमण करने की हिम्मत कर सकते हैं जो एकांत में हो। अगर वहां पे विपुल विद्यमान है तो अब तो उनको शाप का बड़ा भय लगा है। और वहां से विपुल को भी जब ये पता चल गया तो गुरु पत्नी का शरीर छोड़कर के वो अपने शरीर में आ गए हैं, और अपने शरीर में आकर के कहते हैं किमनु तद विस्मृतम शक्र नातन मनसिते स्थितम। तुम वो गौतम मुनि ने जो तुमको शाप दिया था ना, भगांक परिचिन्नितम, तुम्हें ज्यादा भग की पड़ी रहती है ना, तुम ज्यादा इसके पीछे पड़े रहते हो, जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में भग के आकार बन जाए। इनको शक्र को जो सहस्राक्ष कहा जाता है ना, तो इनके पूरे शरीर में ही योनि योनि ही दिखाई दे, इस प्रकार का गौतम ऋषि ने शाप दिया था इनको, तो वो बात भूल गए हो। फिर तो वहां इंद्र एक सेकेंड भी नहीं रुके और वहां से वो सीधे प्रस्थान कर जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो स्त्रियों को दूषित करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो उनको प्रभावित करके, चाहे धन धान्यादि दे करके या किसी अन्य तरीके से, ऐसे लोगों में शक्तियां नहीं हुआ करती हैं। तो यहां इंद्र भी भाग गए हैं। तो इस प्रकार से विपुल ने अपनी गुरु पत्नी की रक्षा की थी। तो स्त्रियों की रक्षा अगर आप चाहें कि सामान्य रूप से की जा सके, ये बड़ा कठिन कार्य है। कितना कठिन परिश्रम किया तब वो अपने गुरु पत्नी की रक्षा कर पाए हैं, लेकिन फिर भी एक राजा के रूप में आपकी ये जवाबदारी बनती है कि इस महाभारत के युद्ध के बाद एक जो बड़ा ये स्त्री समाज है, जो आज विधवा है या जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई साथी नहीं है, उन सब की रक्षा करने की जवाबदारी एक राजा के रूप में आपकी है और आपको उन सब की रक्षा करनी चाहिए। चलिए, ये विपुल और उनके गुरु की कथा जो है, इसको हम अगले वीडियो में आगे सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आनंद लीजिए। अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। महाभारत है, यहां हर तरीके की कथा आपको मिलेगी, ये बात मैंने कहा है, लेकिन यहां अनुशासन पर्व में हमें सीखना है अनुशासन।